हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आपने भी कभी ना कभी रोड पे चलते हुए गाड़ी के नंबर प्लेट्स को देख के उसके अलग अलग कलर के बारे में ज़रूर सोचा होगा। अलग अलग रंग होने का क्या मतलब है, क्या यूज़ है इसका। वैसे आप लोगों में कई लोग जानते होंगे कि सफ़ेद रंग की नंबर प्लेट वाली गाड़ी पर्सनल गाड़ी होती है और पीली रंग की नंबर प्लेट वाली टैक्सी के लिए यूज़ होती है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ अलग अलग रंग की नंबर प्लेट्स होती हैं। हमारे देश में लगभग 7 कलर की नंबर प्लेट्स अभी यूज़ में हैं। तो इन कलर्स का क्या मतलब होता है, उसके बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले कुछ बताना चाहता हूँ। वीडियो के लास्ट में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसका आंसर इसी वीडियो में होगा। तो वीडियो ध्यान से देखिएगा और अपने आंसर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर किसी गाड़ी में लाल रंग की नंबर प्लेट लगी मिले तो समझ जाइए कि वह गाड़ी भारत के राष्ट्रपति या फिर किसी राज्य के राज्यपाल की है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस प्रकार की गाड़ियों में लाइसेंस संख्या की जगह भारत के प्रतीक का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर किसी गाड़ी में लाल रंग की नंबर प्लेट के साथ उस पर वाइट रंग से नंबर लिखा हो तो समझ जाइए कि वह टेस्ट ड्राइव के लिए है या फिर मैन्युफैक्चर के दौरान उसे टेस्ट ड्राइव किया जा रहा है या प्रमोशन के लिए यूज़ किया जा रहा है। नीले रंग की नंबर प्लेट वाली गाड़ी आपको दिल्ली जैसे शहरों में देखने को मिल जाएंगी। नीले रंग की नंबर प्लेट एक ऐसे वाहन को मिलती है जिसका इस्तेमाल विदेशी प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। इनकी गाड़ियों पर काले रंग की जगह सफ़ेद रंग से नंबर लिखा जाता है। इनकी प्लेट पर प्रदेश के कोड की जगह जिस देश की यह गाड़ी होती है उस देश का कोड लिखा होता है। इस प्रकार की प्लेटों का प्रयोग विदेशी दूतावासों द्वारा किया जाता है। जिन कारों में काले रंग की नंबर प्लेट होती है और उस पर पीले रंग से नंबर लिखा गया है तो इस प्रकार के वाहनों का मालिक एक आम इंसान ही होता है। लेकिन इन गाड़ियों का प्रयोग कमर्शियल उद्देश्य के लिए किया जा सकता है। इस प्रकार का वाहन चलाने के लिए ड्राइवर के पास कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी नहीं है और ऐसे वाहन आपको किसी भी बड़े होटल के सामने में खड़ी देखने को मिल जाएगी। सफ़ेद रंग की नंबर प्लेट आम गाड़ियों का प्रतीक होता है। इस वाहन का इस्तेमाल कमर्शियली नहीं किया जा सकता है। सफ़ेद रंग की नंबर प्लेट पर काले रंग से नंबर लिखे होते हैं। वैसे ज़्यादातर लोग सफ़ेद रंग के प्लेट देखकर अंदाज़ा लगा लेते हैं कि यह पर्सनल गाड़ी है। लेकिन प्रधानमंत्री की कार की नंबर प्लेट सफ़ेद रंग की ही होती है। पीले रंग की नंबर प्लेट पर काले रंग से नंबर लिखा होता है। इस प्रकार के रंग की नंबर प्लेट आपने ट्रक, टैक्सी इत्यादि में देखी होंगी, जैसे उबर, ओला कैब या ट्रक और बसें। ऐसी गाड़ी का इस्तेमाल केवल कमर्शियली ही होता है। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि इस पीले रंग की नंबर प्लेट वाली गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर के पास कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस का होना भी अनिवार्य है। किसी भी अन्य लाइसेंस नंबर प्लेट के विपरीत सैन्य वाहनों के लिए एक अलग तरह की नंबरिंग प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। इस सैन्य वाहनों के नंबर को रक्षा मंत्रालय नई दिल्ली के द्वारा बांटा जाता है। ऐसी गाड़ियों का नंबर प्लेट में नंबर के पहले या तीसरे अंक के स्थान पर ऊपरी ओर इशारा करते हुए एक तीर का निशान होता है जिसे ब्रांड एरो कहा जाता है। तीर के बाद के पहले दो अंक उस वर्ष को दिखाते हैं जिसमें सेना ने उस वाहन को खरीदा था। यह नंबर 11 अंकों का होता है। सड़क मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक परिवहनों के लिए नंबर प्लेट का निर्धारण कर दिया है। प्लेट का बैकग्राउंड हरा होगा और इस पर वाहन के प्रकार के अनुसार पीले या सफ़ेद रंग से नंबर दर्ज होंगे। यानी निजी वाहन में अब सफ़ेद रंग के नंबर के साथ हरे रंग का बैकग्राउंड और कमर्शियल इलेक्ट्रॉनिक वाहन में पीले रंग के नंबर के साथ हरे रंग का बैकग्राउंड होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। तो OMG नॉलेज को सब्सक्राइब करें और अब चलते हैं अपने Q&A की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के राष्ट्रपति या फिर किसी भी राज्य के राज्यपाल की गाड़ी में किस रंग की नंबर प्लेट होती है। क्वेश्चन नंबर 2, पीले रंग की नंबर प्लेट किस वाहन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, क्या हम काले रंग की नंबर प्लेट का उपयोग कर सकते हैं, हाँ या ना में बताएं। क्वेश्चन का आंसर कमेंट ज़रूर कीजिए और अगर नहीं पता है तो वीडियो पीछे करके देख लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।